1984 दंगों से जुड़ी फाइलें गुम हो गई हैं। 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगों से जुड़ी फाइलें दिल्ली सरकार के गृह और कानून विभाग से गुम हो गई हैं। सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाने संबंधी ये फाइलें बीते 10 महीनों से लापता हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एसआईटी गठन की पहल की गई थी। फाइल दिल्ली के तत्कालीन गृह मंत्री जितेंद्र तोमर को मार्क की गई थी, जिसके बाद फर्जी डिग्री के मामले में वो जेल चले गए थे। दिलचस्प यह भी है कि दिल्ली के मौजूदा गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे महज एक अफवाह करार दिया है। एसआईटी जो चल रही है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट उसका होता तो फिर हम इस बात को बहुत सीरियसली लेते। जो एसआईटी चल रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, और जो दिल्ली सरकार की किसी भी फाइल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। यानी आपका कहना यह है कि जो सिख दंगों की जो जांच के लिए जो एसआईटी गठन हुई है उस पर इस वक्त का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जांच में कोई डिले, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, 2015 फरवरी में बनाई है। वो जो पिछली 2014 की एसआईटी थी वो ऑर्डर ही वो शुरू ही नहीं हुई, वो बनी ही नहीं, क्योंकि उसके बाद जब केजरीवाल ने इस्तीफा कर दिया, तो इसलिए वो फाइल का आज इस एसआईटी के साथ कोई कनेक्शन कोई लिंक नहीं है, ना ही अगर कोई उसमें से कोई फाइल मिसिंग है, ना ही उसका कोई इस जो प्रेजेंट एसआईटी चल रही है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, ये एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल की बात है। अगर ये सच है, अगर ये सच है, और वापस बोल रहा हूँ अगर ये सच है, तो अत्यंत गंभीर मामला है और इमीडिएटली तुरंत इसमें व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पे हो, उस मुद्दे पे हो, फाइलें गायब कैसे हो सकती है? तो मैं नहीं समझता कि ये तो प्रशासनिक मामला है और सर प्रशासनिक रूप से पूरा एक्शन लेना चाहिए, नीचे के अफसर पे, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे, हायर सेक्रेटरी के लेवल पे तो होना चाहिए।